हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल टीके चैनल। प्रीवियस वीडियोस में हमने नेचुरल डिजास्टर्स जो चैप्टर था उसके दो पार्ट हमने देख लिए थे। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे इसका तीसरा पार्ट हम आज देखेंगे। ओके, तो हमने सबसे पहले नेचुरल डिजास्टर इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले ली थी, देन आफ्टर अर्थक्वेक के बारे में डिटेल्स ले ली थी, देन आफ्टर हमने ये वॉल्केनो के बारे में भी डिटेल्स ले ली थी। ओके, सुनामी भी देख लिया था। नाउ हम अब फ्लड फ्लड के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले व्हाट इज फ्लड? ओके, उसकी डेफिनेशन है द फ्लो ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर इन द रिवर इज कॉल्ड फ्लड। ओके, जो भी रिवर के अंदर जो अगर ज्यादा मात्रा में पानी आ जाता है, उसका फ्लो हो जाता है, ज्यादा मात्रा में पानी का फ्लो बढ़ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं फ्लड बोलते हैं। ओके, तो फ्लड अकर्स ड्यू टू टू रीजन। क्यों होता है फ्लड? तो दो रीजन से होता है। सबसे पहले हैवी रेन, अगर बहुत सारी बारिश हो जाए। ओके, तो क्या हो जाएगा? एक्सेस वाटर यहाँ पे आ जाएगा। ओके, सो इससे क्या होगा? हैवी रेन इन द अपर कोर्स ऑफ द रिवर। और रिवर जो होती है वो कहाँ से आती है? अपर पार्ट से लोअर पार्ट तक आती है। ओके, तो अगर अपर पार्ट पे ज्यादा बरसात हो जाती है, ओके, ज्यादा यहाँ पे बारिश हो जाती है, तो यहाँ से पानी इकट्ठा होके यहाँ पे जो लोअर लेयर होता है, मतलब जहाँ पे जो रिवर जो होती है वो यहाँ पे लोअर लोअर साइड में यहाँ पे क्या होगा? वहां पे पानी वहां पे रिवर के अंदर आ जाएगा। ओके, सो हैवी रेन इन द अपर कोर्स ऑफ रिवर। ओके, नाउ सेकंड इज क्या है? इफ अ डैम ऑन रिवर ब्रेक फ्लड अकर्स इन द लो लाइंग एरियाज ऑन द रिवर बैंक्स। ओके, रिवर बैंक में अगर रिवर बैंक मतलब जो रिवर के आसपास जो रिवर के जो यहाँ पे आसपास के जो एरियाज है उसको बोल क्या उसको क्या बोलेंगे? रिवर बैंक। उसको क्या बोलते हैं? तट जो बोलते हैं, तट, रिवर के तट। ओके, तो रिवर में अगर रिवर के ऊपर जब हम डैम बांधते हैं, ओके, डैम का कंस्ट्रक्शन होता है, अगर डैम यहाँ पे टूट जाता है तो पानी का जो फ्लो होता है वो भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे क्या है, सेकंड पार्ट है। ओके, इफ अ डैम ऑन रिवर ब्रिज फ्लो अकर्स इन द लो लाइंग एरियाज ऑन द रिवर बैंक। ओके, अगर यहाँ पे क्या होगा, अगर डैम यहाँ पे टूट जाएगा, तो यहाँ पे जो लो लाइंग एरियाज है रिवर के तट के आसपास, रिवर के आसपास के जो यहाँ पे एरियाज है वहां पे क्या हो जाएगा? वहां पर पानी वहां पे घुस जाएगा। ओके, और इससे क्या होगा? आप यहाँ पे इसकी तस्वीर देख सकते हैं कि सारे यहाँ पे मकान है, तो मकान के अंदर यहाँ पे पानी वहां पे चला जाएगा। ओके, तो फ्लड एक क्या है? वो एक गंभीर है हमारे प्रयास, यहाँ पे एक नेचुरल डिजास्टर है। ओके, वो नेचुरली होता है इसके, और कुछ कुछ यहाँ पे भी मैन मेड भी होता है। ओके, जो कंस्ट्रक्शन होता है वो कंस्ट्रक्शन टूट जाता है। ओके, तो वो नेचुरल भी होता है, सब कुछ ये क्या है? नेचुरली होता है। ओके, नाउ हमारे कौन कौन से रिवर के अंदर फ्लड आता है, तो कौन कौन से रिवर में फ्लड आया था ये हमने यहाँ पे इसका चार्ट दिया है। तो गंगा यमुना में नॉर्थ इंडिया के अंदर यहाँ पे 1978 में यहाँ बहुत ही बड़ा यहाँ पे फ्लड आया था। देन मच्छू रिवर मोरबी के अंदर, गुजरात में मच्छू रिवर जो थी, ओके, तो मोरबी के अंदर 1979 में यहाँ पे क्या आया था? फ्लड आया था। ओके, तो ये उसके ऊपर तो एक फिल्म भी बनी बन गई है। ओके, मच्छू मच्छू के ऊपर, ये मच्छू रिवर जो है वहां पे जो फ्लड आया था उसके ऊपर यहाँ पे एक मूवी भी बन चुकी है। ओके, देन तापी रिवर के ऊपर भी यहाँ पे जो सूरत के अंदर है। ओके, कहाँ पे? सूरत गुजरात में है। ओके, तो वहां पे तापी रिवर के ऊपर भी 2006 में यहाँ पे फ्लड आया था। देन कोशी रिवर बिहार के अंदर, कोशी रिवर में 2008 में भी फ्लड आया था। ओके, तो अभी अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे बिहार है, ओके, पश्चिम बंगाल है तो वहां पे, देन आसाम है, आसाम में भी अभी अभी यहाँ पे क्या है, फ्लड की सिचुएशन है वहां पे। ओके, बहुत सारे यहाँ पे जो एरियाज है वहां पे क्या हो गया है, वहां पे पानी यहाँ पे घुस गया है। ओके, तो बहुत सारी वहां पे नदी है, कोसी रिवर है। ओके, तो बिहार में जो कोसी रिवर है उसके अंदर तो बार बार हर एक साल यहाँ पे फ्लड आता है। ओके, वहां पे तबाही
ये जो रिवर होते हैं वो बहुत ही तबाही मचाती है, ओके, क्योंकि आगे से पानी का फ्लो बढ़ जाता है, तो इससे क्या होता है, यहाँ पे कोसी रिवर में बहुत ज्यादा पानी आ जाता है और यहाँ पे उसका जो फ्लड सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट हो जाती है, ओके। तो ये हमारे अंदर फ्लड है, फ्लड से क्या क्या नुकसान होता है, तो जो पूरी की पूरी यहाँ पे घर जो होता है वो घर डूब जाता है, तो उसमें सारी जो चीजें रखी होती है वो भी यहाँ पे क्या हो जाता है, वो डूब जाती है, ओके। तो सभी लोगों के लिए बहुत ही दिक्कत हो जाती है, फ्लड में रहना तो बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन होती है वहां पे, ओके। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे शंकर जी की एक मूर्ति है, वो भी पानी के अंदर यहाँ पे हो गई है, ओके। तो आप देख सकते हो, पहले भी हमने केदारनाथ के अंदर भी ऐसे यहाँ पे फ्लड सिचुएशन आया था, ओके, बहुत ही वहाँ पे तबाही क्रिएट हुई थी, वहाँ पे जो रिवर थी रिवर के अंदर वहाँ ज्यादा पानी आ गया था, ओके। तो इससे क्या होगा, जो सारे लोग होते हैं वो डूब जाते हैं, उनकी जो संपत्ति भी होती है वो भी डूब जाती है, ओके। तो ऐसे यहाँ से फ्लड से हमें क्या होगा, ऐसे सारे नुकसान भी यहाँ पे होते हैं, ओके। तो ये हमारा फ्लड कंप्लीट होता है। देन आफ्टर फेमाइन, ओके, जैसे एक्सेसिव वाटर आता है, ओके, तो जैसे ऐसे भी हमको भी नुकसान होता है, अगर पानी ना आए तो भी नुकसान है, ओके। तो बारिश जो होती है, बारिश अगर 2-3 साल पर नहीं आती है तो क्या होता है, यहाँ पर फेमाइन होता है। फेमाइन मतलब क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, फेमाइन को बोलते हैं हम उसको, ये फेमाइन फेमाइन को हम बोलते हैं सूखा, ओके। अगर 2-3 साल तक अगर अगर बारिश नहीं होती है तो वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे फेमाइन क्रिएट हो जाता है, मतलब वहां पे सूखा पड़ जाता है, ओके। तो आप देख सकते हो सूखे के कारण जमीन के अंदर ऐसे यहाँ पे पपड़ियाँ क्रिएट हो जाती है, ओके। तो जो जो भी पशु पक्षी है, इंसान है, उसको पानी मिलता नहीं है, ओके। तो बारिश, ज्यादा बारिश भी अच्छी नहीं है और कम बारिश भी अच्छी नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्कशन किया है टॉपिक के अंदर, स्केंटी रेनफॉल लीड्स टू द ड्राइंग अप द ग्राउंड वाटर, ओके, ड्राइंग अप द ग्राउंड वाटर एंड शॉर्टेज ऑफ फूड एंड वाटर, ओके। दिस कंडीशन इज नोन एज अ फेमाइन, ओके। इस कंडीशन में क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फेमाइन बोलते हैं, ओके। द कंडीशन ऑफ फेमाइन अकर्स इन केस ऑफ स्केंटी रेनफॉल और नो रेनफॉल फॉर 2-3 years सक्सेसिवली। द पॉसिबिलिटी ऑफ फेमाइन इज लेस इफ वी प्लांट मोर ट्रीज, ओके। अगर हम ज्यादा यहाँ पे ट्री लगाएंगे तो क्या होगा, जो बादल जो होते हैं, जो जो बादल जो होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं और वहां पे क्या होगा, वहां पे रेन होगा। अगर रेनफॉल नहीं हुआ 2-3 साल तक, ओके, तो इससे क्या होगा, वहां पे जो यहाँ पे जो क्या होगा, यहाँ पे फेमाइन होगा, मतलब क्या होगा, सूखा पड़ जाएगा। तो मेन यहाँ पे क्या है कि जो जमीन जो होती है, जमीन पर अगर सूखा पड़ता है तो क्या होगा, बारिश वहां पे उसके ऊपर से जो पानी जो होता है, पानी नहीं आएगा, ओके। वहां पे पानी नहीं होगा तो वहां पे क्या होगा, सूखा पड़ जाएगा। सूखा पड़ जाए तो वहां पे कोई फूड नहीं अवेलेबल होगा, ओके, कुछ भी नहीं होगा, ओके। जो यहाँ पे उसके अंदर ग्राउंड वाटर जो होगा, जमीन के नीचे कुछ वाटर होता है उसको बोलते हैं ग्राउंड वाटर, वो बोलते हैं तो ग्राउंड वाटर भी वहां पे नहीं मिलेगा, ओके। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे जो हम कुछ भी उगा नहीं पाएंगे, वहां पे फूड की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, ओके। तो सारे लोग को ये जो प्लेस जो है वो छोड़ना पड़ेगा, ओके। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे बहुत ही बुरी सिचुएशन क्रिएट होगी, ओके। सो इसको हमें रिड्यूस करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे ट्रीज वहाँ पे लगानी पड़ेगी, ओके। तो ऐसे सूखा यहाँ पे पड़ता है। तो पहले भी यहाँ पे हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे यहाँ पे फेमाइन मतलब सूखे पड़ चुके हैं, ओके। मुंबई के अंदर सूखा पड़ा था, ओके। तो ये सारे यहाँ पे सभी लोगों को यहाँ पे वो प्लेस छोड़ के जाना पड़ेगा, ओके। ऐसे बहुत सारे जो फेमाइन भी वहाँ पे हुए थे, ओके। नाउ हम देखेंगे साइक्लोन के बारे में। साइक्लोन का मतलब क्या होता है, नॉर्मली आपको समझा दूं कि अगर जो ये तो ये क्या है, साइक्लोन वो अगर पवन जो होता है, जो एयर जो होती है और एयर की जो स्पीड जो होती है अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो वहां पे क्या होता है, वहां पे साइक्लोन जनरेट होता है, ओके। अगर उसकी जो स्पीड जो होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है तो उससे क्या होगा, ऐसा जो यहाँ पे घर भी होते हैं, कोई भी घर होगा तो वो करके क्या होगा, वो टूट जाएगा, ओके। और जो पेड़ जो होते हैं वो निकल जाते हैं, जो जमीन से क्या होते हैं, उखड़ जाते हैं और ये सारे के सारे यहाँ पे क्या हो जाता है, वो बहुत सारा वहां पे नुकसान होता है, ओके। तो इससे क्या होगा कि जो कोई भी आदमी अगर यहाँ पे घर के अंदर रहेगा होगा, ओके, रहता होगा, या फिर कोई भी पर्सन यहाँ पे
रास्ते पे जाता होगा, तो इसके ऊपर ये सारी चीजें पड़ती है, तो यहाँ पे क्या इंसान भी मर सकता है। ओके, द सिंपल मीनिंग ऑफ साइक्लोन इज एयर विच ब्लो एट अ ग्रेट स्पीड। ओके, ये उसका सिंपल मीनिंग है। ओके, क्या हो गया, साइक्लोन जो होता है वो, साइक्लोन के मतलब क्या होता है, अगर एयर ज्यादा स्पीड पे ब्लो होता है, ज्यादा स्पीड पे यहाँ पे जनरेट, ज्यादा स्पीड में वहां पे ब्लो होता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे तो साइक्लोन बोलेंगे। इट कैन बी कॉल्ड एज अ स्टॉर्म ऑन वर्ल्ड विंड। ओके, इसको क्या, उसको दूसरे शब्द में क्या बोल रहे हैं, उसको दूसरे शब्दों में स्टॉर्म अथवा और वाइल्ड विंड भी उसको बोलेंगे। ओके, द कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस साइक्लोन एवरी ईयर। जो इंडिया के जो कोस्टल एरिया है, मतलब कि जहां जहां पे ये जो समुद्र जो होता है, जो हमारा जो जो कोस्टल एरिया है, मतलब के जो चेन्नई है, मुंबई है, ये सारी चीजें वहां पे क्या आती है, वो कोस्टल एरिया क्या वहां आती है। ओके, उसके आसपास क्या है, वो ये जो जो अरब सागर है, ओके, हिंद महासागर के, हिंद महासागर है, बंगाल की खाड़ी है। ओके, तो इसके आसपास के जो एरिया है वहां पे क्या होगा, वहां पे साइक्लोन जो होता है वो हर साल आता है। ओके, क्योंकि वहां पे जो समुद्र में जो कोई भी अपर साइक्लोन या समुद्र में जो भी प्रेशर डिफरेंस वहां पे होगा, तो इससे क्या होगा, वहां पे पवन वहां पे बहुत ही ज्यादा जोर से वहां पे ब्लो करेंगे। ओके, द ईस्टर्न कोस्ट स्पेशली एक्सपीरियंस इट एवरी ईयर। ओके, जो हमारे ईस्ट के साइड में जो यहाँ पे कोस्टल एरिया से इंडिया के ईस्ट में, मतलब इसमें कौन कौन से है, जो वेस्ट बंगाल है, ओडिशा है, ओके, सॉरी जो उड़ीसा है, ओके, जो तमिलनाडु है, ये सारे जो है वहां पे क्या होगा, वहां पे बहुत सारे यहाँ पे क्या हो गया, वहां पे ये साइक्लोन वहां पे हो गए। ओके, द एडजेसेंट रीजन ऑल्सो फील द इफेक्ट ऑफ साइक्लोन व्हेन इट इज एट अ हाईएस्ट इंटेंसिटी। ओके, अगर बहुत ज्यादा इसकी साइक्लोन की इंटेंसिटी हुई तो पूरे देश में भी इसकी यहाँ पे असर हो सकता है। ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ब्लो एयर अगर ज्यादा ब्लो करेगी तो बहुत इंडिया के अंदर बहुत सारे भागों के, बहुत सारे जो राज्य हैं उसके वहां से भी है गुजरेगी। ओके, हाउ दिस विंड अफेक्ट द लिमिटेड एरिया फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम ओनली। ओके, ये जो विंड है वो वो बहुत ही कम एरिया को वो क्या करती है, वो अफेक्ट करती है और बहुत ही छोटे टाइम पीरियड के लिए वो अटैक करती है। ओके, तो ये है साइक्लोन। ओके, तो साइक्लोन से आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन सी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सारी चीजें होती है, जो घर जो होते हैं वो, जो पेड़ जो होते हैं वो पेड़ यहाँ से उखड़ जाते हैं। ओके, और ये सारी जो रास्ते यहाँ पे ब्लॉक हो जाते हैं, आप देख सकते हैं जो सारे घर जो होते हैं वो यहाँ पे निकल गए। ओके, तो ये पिक्चर है। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी। ओके, तो ऐसे यहाँ पे साइक्लोन होता है। ओके, नाउ ना हम देखेंगे फॉरेस्ट फायर के बारे में। तो फॉरेस्ट फायर क्या है, ये भी एक नेचुरल क्लाइमेटीज है, मतलब नेचुरल डिजास्टर ही है। फॉरेस्ट फायर जो होता है उसमें क्या होता है, द फ्रिक्शन बिटवीन द ड्राई ब्रांचेस ऑफ ट्री एंड अदर फैक्टर्स कॉजेज द फॉरेस्ट फायर। ओके, इट कॉजेज अ ग्रेट अमाउंट ऑफ डैमेज टू द फॉरेस्ट रिसोर्सेज। ओके, तो अभी अभी थोड़े टाइम पहले ही ऑस्ट्रेलिया में ऐसा फॉरेस्ट फायर यहाँ पे जनरेट हुआ था, उसमें बहुत सारे यहाँ पे जो पशु पक्षी थे, ओके, तो ये सारे सारे के सारे यहाँ पे मर गए थे। ओके, बहुत सारे जो पशु पक्षी थे उसको बचाया गया था। तो फॉरेस्ट फायर होता कहाँ से, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले अगर जो सूखा पड़ता है, जब सूखे की सीजन आती है, तो क्या होता है, ये जो पेड़ जो होते हैं, पेड़ के जो ब्रांचेस होती है वो ड्राई हो जाती है। ओके, तो ये ड्राई ब्रांचेस एक दूसरे के साथ यहाँ पे रिगड़ती है, एक दूसरे के साथ वो क्या होती है, वो एक दूसरे का यहाँ पे उसको एक दूसरे को छूती है, तो क्या होता है, बहुत ज्यादा से यहाँ पे उसके इन दोनों में से फ्रिक्शन क्रिएट होता है, तो क्या होगा वहां पे, क्या होगा यहाँ पे फायर होने लगेगा। ओके, आप देखेंगे दो पत्थर को हम क्या करेंगे, उसको उसको हम हाथ से उसको उसको मारेंगे दो पत्थर को, तो क्या है, उसमें से जो जो फायर जो होता है वो क्रिएट होता है, बराबर है, जो छोटे छोटे तिनके यहाँ पे होते हैं। ओके, जब दो पत्थर को हम घिसते हैं तो उसमें क्या है, छोटे छोटे तिनके होते हैं, तो ऐसे भी यहाँ पे भी होता है, अगर दो सूखी लकड़ियां होती है तो सूखी लकड़ी को हम घिसते हैं। ओके, सूखी लकड़ी अगर नेचुरली यहाँ पे घिसती है तो क्या होगा, वहां पे जो वहां पे तिनके होंगे, और तिनके से क्या होगा, यहाँ से ये धीरे धीरे ये
यहाँ पे फायर होने लगेगा। ओके, तो ऐसे यहाँ पे क्या होगा, फॉरेस्ट फायर जनरेट होता है, दूसरे भी कई चीजें हैं। अगर कोई कोई पर्सन है जो कोई पर्सन है, ओके हमारे इंसान ही है, इंसान वहां पे कुछ आग जला दे तो और उसको बुझा ना पाए, ओके बुझा नहीं देता है, ओके उसको डिस्ट्रॉय नहीं करता है, तो ये क्या करेगी, पूरी आग पूरी जंगल के अंदर यहाँ पे घूम जाएगी, पूरे जंगल में फैल जाती है। ओके, तो ऐसे भी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फॉरेस्ट जो रिसोर्सेज होते हैं वो चलने लगेंगे। ओके, सारे पेड़ पौधे यहाँ पे चलने लगेंगे और पूरे के पूरे पेड़ और प्राणी और जो पशु पक्षी जो होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे चल जाएंगे, वो ओके जल जाएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया में भी जो अभी अभी थोड़े टाइम पहले ही, आई थिंक इस ईयर के शुरुआत में ही, जो जो पशु पक्षी जो थे वो मरने लगे थे इस फॉरेस्ट फायर के लिए। ओके, फॉरेस्ट फायर वहां पे हुआ था, तो ये सारे पशु पक्षी जो होते थे, तो वो जो पशु पक्षी जो होते थे वो यहाँ पे मर गए थे। ओके, तो ऐसे ये फॉरेस्ट फायर क्या होता है, ये होता है, ओके ये बहुत ही डैमेज करता है। ओके, नाउ हम देखेंगे लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड का मतलब क्या होता है, जो जो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लैंड जो होता है वो स्लाइड हो जाता है। ओके, तो इसमें कुछ क्या हो जाता है, स्लाइडिंग हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, लैंडस्लाइडिंग बोलते हैं उसको। ओके, द स्लाइडिंग ऑफ लार्ज मास ऑफ रॉक मटेरियल सॉइल एक्सेट्रा डाउन द साइड ऑफ द माउंटेन और क्लिफ, इट टर्म एज अ लैंड स्लाइड। ओके, तो क्या होता है वहां पे, अगर लार्ज मास में रॉक और ये सारी जो मिट्टी है, रॉक है, ये तो पत्थर जो होता है, ये सारे ये क्या होता है, वो ऊपर से यहाँ पे डाउन साइड में मतलब नीचे आ जाते हैं, क्योंकि माउंटेन से नीचे आ जाता है, तो उसके क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लैंड स्लाइड बोलते हैं। ओके, अगर ज्यादा बारिश हो जाती है तो क्या जो मिट्टी जो होती है वो ढल जाती है, तो मिट्टी ढल जाती है उसके साथ यहाँ पे जो रॉक जो है, पत्थर भी है, वो सारे भी नीचे आ जाते हैं। इससे क्या होगा, नीचे अगर कोई बस्ती है या फिर कोई भी घर है, मकान है, कोई पर्सन जा रहा है, कोई व्हीकल जा रहा है, तो उसके ऊपर यहाँ पे पड़ता है, और जो क्लाइमेटिस होती है मतलब ये नुकसान वहां पे होता है, इंसान जो है इंसान मर जाता है। ओके, और जो कार जो होती है और जो व्हीकल जो होते हैं वो सारे भी उसमें ढल जाते हैं। ओके, तो टू फैक्टर कॉजेज लैंडस्लाइड, एक्सेसिव रेनफॉल, इसमें दो फैक्टर है। सबसे पहले एक एक्सेसिव रेनफॉल मतलब ज्यादा रेन हो जाता है, ज्यादा बारिश हो जाती है तो भी रेनफॉल होता है, और दूसरा क्या है, तो अर्थक्वेक। ओके, अगर अर्थक्वेक होता है मतलब जो भूकंप जो होता है, उस अगर भूकंप हो जाता है तो भी यहाँ पे ये जो पत्थर और मिट्टी जो होती है वो क्या हो जाती है, वो बह जाती है, वो ढल जाती है। ओके, सो ये सारी चीजें यहाँ पे क्या होती है, लैंडस्लाइड यहाँ पे होती है। ओके, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया, इन रेनी सीजन द रेलवे ट्रांसपोर्टेशन इन कोंकण गेट ऑब्स्ट्रक्टेड ड्यू टू लैंडस्लाइड्स। ओके, तो जो कोंकण जो थे, कोंकण का जो रेल रेल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो था वो भी जो रेनी सीजन के अंदर मतलब बहुत सारी वहां पे बारिश हुई थी, तो क्या हो गया था, वो ढल गया था। ओके, वो डिस्टर्ब हो जाएगा मतलब उस वो बंद हो गया था इसके रीजन से। ओके, तो ये होता है हमारा लैंडस्लाइड। ओके, तो ऐसी यहाँ पे चीजें होती है। ओके, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है नेचुरल डिजास्टर के बारे में। ओके, तो ओके, तो ऐसे यहाँ पे हमारा ये पूरा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ओके, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पे इस वीडियो को शेयर कीजिए। ओके, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच।